अब कुछ बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां तमाम बड़ी शाहराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला हल ना हुआ। आए रोज ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने से हादसात में इजाफा होने लगा, जबकि उन्हें ठीक करवाने के लिए कोई महकमा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस सूरत हाल पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक। जी, फैसलाबाद की तमाम बड़ी शहराएं और जो जितने भी बड़े चौक हैं, चौराहे हैं, वहां पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो सिग्नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अरसा दराज से ये जो ट्रैफिक के इशारे ये आए रोज़ जो है वो ख़राब रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर होती है और हादसात भी पेश आते हैं। और यही नहीं बल्कि इसकी वजह से ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं उनको ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आती हैं। जहाँ पर इशारा ख़राब हो तो वहाँ पर बड़े चौक के अंदर एक नहीं बल्कि चार चार वार्डन्स जो है वो अहलकार ड्यूटियां देते हैं ट्रैफिक को संभालने में, ट्रैफिक की रवानगी के लिए अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो फैसलाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो जो है ना तो इन इशारों का फैसकों को बिल पे करती है और ना ही इनको ठीक करवाती है। अलबत्ता CO कॉरपोरेशन इस हवाले से बिल्कुल खामोशी का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने सारा मलबा जो है वो जिले इंतजामिया पे डाल रखा है। अभी यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक के इशारे बिल्कुल खराब हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक वार्डन्स को भी काफी मुश्किलात का सामना है और इसके साथ साथ हादसात भी जो है वो यहाँ पर आए रोज होते रहते हैं, लेकिन फैसलाबाद की जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इशारों को ठीक करवाने के लिए कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। जी